आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम MSO PG कोर्स ब्लॉक 1 यूनिट 3 के रूपरेखा के बारे में, यानी इनके टॉपिक्स यूनिट्स के लिए, इस यूनिट में कितने टॉपिक्स पढ़ने उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन है। तो यूनिट 3 में हमें सिद्धांत और रूपावली के बारे में पढ़ना है। सिद्धांत और रूपावली, यानी कि जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं और उनका जो रूपावली, यानी उनके उनमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। आगे इसमें हम टोटल कुल 10 यूनिट्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम जानेंगे। सबसे पहले 3.1 में है प्रस्तावना, उसके बाद आपको मिलेगा 3.2 यानी सामाजिक शास्त्र के सिद्धांत, 3.3 में क्लासिकी समाजशास्त्र सिद्धांत, 3.4 में त्रिचरणों के नियम, 3.5 में मार्क्सवादी विचारधारा, 3.6 में वेबरवादी विचारधारा, 3.7 में पार्सन्स का कार्य सिद्धांत, 3.8 में समाजशास्त्र सिद्धांतों की हाल ही के समय की उन्नति, और 3.9 में रूपावली की संरचना, और 3.10 में सारांश, और अंत में आपको 3.11 में कुछ उपयोगी पुस्तकें हैं उनके बारे में हम जानेंगे अधिगम। और इस यूनिट को पढ़ने का उद्देश्य हमारा होगा क्या? इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको सिद्धांत के अर्थ की चर्चा करने के योग्य बन सकेंगे, और सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मार्क्स, दुर्खाइम और वेबर के योगदानों की तुलना करने के लिए योग्य बन सकेंगे, क्लासिकी और समकालीन सिद्धांत का वर्णन करने के योग्य बन सकेंगे। तो इस यूनिट से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस जो है वो इसी टॉपिक को, इसी विचार को फोकस करके बनाया गया है कि आपको बस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्या है। मैं कोई भी वैसे वेस्ट चीज़ आपको उस वीडियोस में नहीं दिखाऊंगी। जो दिखाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और पीजी कोर्स में एग्ज़ाम्स में आपके उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी के बारे में दिखाऊंगी। तो मेरे इस टॉपिक्स के, इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए मेरे अगले वीडियोस को देखते रहिए। इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।